हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं कोई इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये भी टीजीटी आर्ट्स के लिए ही है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी अभी अभी तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको भी उतनी टेंशन है जितनी मुझे है। मुझे ये लगता है कि कहीं सिलेबस ना छूट जाए। कोई बच्चा जो मेरे साथ रिलेटेड है, जो मेरे चैनल पे डेली तैयारी कर रहे हैं, उसको ये होप तो रहती है कि मैम कब वीडियो डालेंगे। तो उसी तरह मुझे भी ये टेंशन रहती है कि कहीं हमारा सिलेबस कोई ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जो हो ना। तो हम डेली जो हैं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अब। तो फ्रेंड्स, एक और बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सेल्फ स्टडी भी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत एडवांस है, तो पता नहीं कितना हम कर पाएंगे साथ में। तो आप सेल्फ स्टडी भी साथ में रखें। और जिन फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पक्की जो वीडियो मैंने डाल रखी है ये पक्का आपको हेल्प करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है मैं डाल दी कि आपको हेल्प ना करें, ये सारी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कोरम ऑफ राज्यसभा इज, या राज्यसभा क्या की कोरम है। तो मेनली हम फर्स्ट तो यही क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि कोरम होता क्या है। तो कोरम जो है वो संख्या होती है मेंबर्स की, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो चाहिए होते हैं फॉर प्रोसीडिंग एनी हाउस बिगिन। किसी भी हाउस का जो भी कार्यवाही होती है उसको शुरू करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं चाहिए होते हैं उसको हम कोरम बोल देते हैं। जैसे कि अब आपको पता ही है, आप प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने बता ही दिया आपको कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम और कितने लोकसभा में होते हैं। तो जो मिनिमम नंबर चाहिए होंगे किसी भी कोरम उसको स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीडिंग को, किसी भी कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उसको हम कोरम बोल देते हैं। तो कोरम जो है राज्यसभा का पूछा गया है कि कितने नंबर चाहिए होते हैं, राज्यसभा की कोरम क्या है। तो वो है कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं उसका 1/10 मीन्स 10% मेंबर जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो चाहे राज्यसभा का पूछा जाए चाहे लोकसभा का पूछा जाए, ये दोनों का ही इन्होंने 10% ही रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड 10% स्ट्रेंथ टू बिगिन एनी प्रोसीडिंग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही फिक्स कर रखा है, चाहे लोकसभा का पूछा जाए चाहे राज्यसभा का पूछा जाए, ये 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर हैं कि 10% मेंबर जो हैं चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि कौन गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वो है हमारे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो आपको पता ही है ये सेकंड लॉ सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आपको मैंने बता भी दिया था, जो प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया हुआ है, सेकंड लॉ ऑफिसर के बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, मतलब कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के ये मेंबर नहीं हैं। बट अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जहाँ पे इनको अवेलेबल होना चाहिए तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो हैं अटर्नी जनरल, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो हैं कैन पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेजिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, कि कौन सा ऐसा 22 प्रेसिडेंट था, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति के पद पे जो है अपॉइंट नहीं हुए हैं। क्योंकि आपको पता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसके बाद उनको राष्ट्रपति के पद पे भी नियुक्त कर दिया जाता है। बट जो कृष्णकांत जी थे,
वो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका जो ड्यूरिंग जो उनका एक कार्यकाल था, जो उनका टेन्योर था, उसके ड्यूरिंग ही उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनका देहांत हो गया था। तो कृष्णकांत जी जो थे वो 10th वाइस प्रेसिडेंट थे, 10th वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं हुए थे। तो एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु वर्कड अंडर 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट, या हु वाज 3 टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो 3 बार जो हैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या फिर कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट के अंडर काम किए हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, मैं लिख देती हूँ आपको क्वेश्चन। हु इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु वर्क अंडर 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट, एक तो क्वेश्चन ये है, और इससे ही यही क्वेश्चन किसी और तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हु वाज 3 टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है तो 3 बार रह चुका है, ठीक है। तो और कौन सा ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट के अंडर काम किया है, तो उनका नाम है मोहम्मद हमीद अंसारी जी। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मोहम्मद हमीद अंसारी। तो ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सॉरी, तो ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो 3 टाइम जो हैं चुने गए हैं, और उन्होंने 3 टाइम डिफरेंट प्रेसिडेंट के अंडर काम किया है। और ये कौन से प्रेसिडेंट थे, ये 12th बार में वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन थे टू बी री इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो री इलेक्ट हुए थे, मतलब बार बार चुने जा रहे थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, नेम द फर्स्ट पर्सन टू बी री इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भी मोहम्मद हमीद अंसारी जी हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। और कृष्णकांत जी थे वो 10वें वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको प्रेसिडेंट जो है एज ए अपॉइंट नहीं किया गया था, क्योंकि उनके जो कार्यकाल था उसके दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट, ये भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनेक राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास शेड्यूल कितने हैं, तो 12 जो अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं हमारे पास। तो कुछ एक शेड्यूल जो है, जैसे आई थिंक 9th 10th 11th मैंने बताया था प्रीवियस में, तो जो 5th शेड्यूल है हमारा वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है उनमें विशेष प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाए विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया, अगर आपसे पूछा जाए फॉर ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो वो कौन सा शेड्यूल है हमारे पास, वो है 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज इन कौन कहाँ पे, असम, स्टेट ऑफ असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है।
तो फिफ्थ शेड्यूल में है हमारे पास जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, और अगर पूछा जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के राजनीतिक क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो वो है सिक्स्थ शेड्यूल में। और जो सेवन्थ शेड्यूल है हमारे पास, जो सेवन्थ शेड्यूल है वो केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में है, जिसमें अगर मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो उनके बारे में है। हमें पता ही है लिस्ट वन को हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। लिस्ट सेकंड जो है वो है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एंड लिस्ट थर्ड जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनके बारे में जो बताया गया है केंद्र राज्य सरकार के बारे में, तो वो है सेवन्थ जो शेड्यूल है हमारा, उसमें बताया गया है। मेनली ये भी पूछ सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बारे, शक्तियों के बंटवारे के बारे में का किस शेड्यूल में बात बताया गया है, तो वो है सेवन्थ शेड्यूल। ठीक है, सिक्स्थ ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, इन स्टेट के ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। और जो फिफ्थ है वो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में है, ठीक है। और सेवन जो है वो राज्य और ये केंद्र सरकारों के बीच में जो बंटवारे हैं उनसे रिलेटेड है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाई ऑर्डर कंस्टिट्यूंट ए फाइनेंस कमीशन एवरी। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन कब करते हैं? तो आपको बताइए कि कोई भी जो गठन होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो ऑब्वियस है 5 ईयर या अर्ली, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उससे पहले भी हो सकता है, बट मेनली जो है वो 5 ईयर में ही होता है। तो फाइनेंस कमीशन की बात चली है, तो मैं आपको बता दूं फाइनेंस कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो पूछ सकते हैं इज इट ए ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इट्स ए ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होती है, ये सेल्फ गवर्निंग होती है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो गवर्न किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट है, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन, कि राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य के विधानसभा चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारत का चुनाव आयोग। तो क्योंकि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बच्चे कई बार गलत करके आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का वो करवाता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सुनील अरोड़ा जी हैं, पहले ओम प्रकाश रावत थे, अब सुनील अरोड़ा जी हैं। तो ओम प्रकाश रावत मत टिक करके आना, अभी सुनील अरोड़ा जी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, इन विच ईयर वाज द हाई कोर्ट इन मद्रास एस्टेब्लिश्ड, या मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये प्रेजिडेंसी स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट है, प्रेजिडेंसी स्टेट है, प्रेजिडेंसी स्टेट मीन्स जिनका 18वीं सेंचुरी तक जो है फुली ग्रोन अप हो चुकी थी। तो प्रेजिडेंसी स्टेट जो है 3 हैं, आपको पता ही है, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है, ये एक कलकत्ता है, कलकत्ता, एक मद्रास है और एक बॉम्बे है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसली स्टेट हैं और तीनों के पूछ सकते हैं, यहाँ तो मद्रास का पूछा है आपसे, बॉम्बे और कोलकाता भी पूछ सकते हैं। तो मेनली जो ईयर था जब इनके हाई कोर्ट जो हैं, जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो 1862 में ही हुई थी, मतलब तीनों की जो है वो अगर इनका पूछा जाए तब भी 1862 में ही हुई है, जो ईयर है वो 1862 ही था तीनों का, प्रिंसली स्टेट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रोटेम स्पीकर इज, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है।
प्रो टेम का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी स्पीकर होता है। अब जैसे आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उस दौरान जो हमारा परमानेंट स्पीकर है उस टाइम पे जो है, क्योंकि ये अभी आपको पता ही है चुनाव होने हैं, तो उस टाइम पे एक टेम्परेरी स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है। और ये पूछा है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, तो वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का ही, लोकसभा के ही सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होता है। तो उस टाइम पे अगर कोई कार्यवाही होती है तो प्रोटेम स्पीकर जो है वहाँ पे बैठता है, वही सुनवाई करता है। तो ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी टेम्परेरी, जब तक कि लोकसभा के चुनाव नहीं होते, जब तक कि परमानेंट जो हमारे स्पीकर है चुने नहीं जाते, तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर ही जो है एज ए स्पीकर काम करता है। तो ये टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक संख्या में सीट आरक्षित हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा लोकसभा, तो आपने जो है उत्तर देना है यूपी। यूपी जो है उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, 80 हैं। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र की, जिसके में जो है 48 हैं। उसके बाद है वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इन दोनों में जो है 42 सीट्स हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पूछा है रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब का पूछा जाए तो हमारे पास आना है मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा है। बट अगर सिंपली पूछा जाए कि लोकसभा में कितनी सीट सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी हैं, तो वो आना है यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी के हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम सबसे कम कहाँ पे है, मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, तो मिनिमम जो है वो है एक मिजोरम में है, मिजोरम में 1 है, मिजोरम एक है, नागालैंड, सिक्किम, इनमें जो है 1 है हमारे पास। और जो हमारी त्रिपुरा है उसमें 2 है, त्रिपुरा जो है उसमें 2 सीट्स हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो है इनमें है और मैक्सिमम जो है इनमें है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। कि जब आपका जो है जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है सेंट्रल बैंक को जो है इंडिया के साथ रिलेटेड है, तो वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर आपसे पूछा जाए, अगर इससे अपोजिट आपसे पूछा जाए कि द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू आरबीआई, तो उसको बोल देते हैं रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। अगर जो है आरबीआई जो है लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से, तो उसको रेपो रेट बोल देते हैं। अगर आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। तो रेपो रेट का थोड़ा सा बता दूँ कि इसका इफेक्ट क्या होता है। इसका ये इफेक्ट होता है कि अगर रेपो रेट ज़्यादा होता है तो जिस बंदे ने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा जो है पे करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि होम लोन लेते हैं कई बंदे, तो कई बार रेपो रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं उसकी ईएमआई भी ज़्यादा जाती है। मतलब रेपो रेट का इफेक्ट ये है कि अगर आपका रेपो रेट इंक्रीज होता है तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। जो आपको ब्याज दर देनी पड़ती है तो वो भी उस आपको देनी पड़ती है ज़्यादा देनी। जब जैसे कमर्शियल बैंक ने लोन ले रखा है यहाँ से आरबीआई से, तो जितना रेपो रेट होगा इनको उतना ही ब्याज जो है इनको देना पड़ेगा, उसको हम रेपो रेट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद सदस्यों के अयोग्यता के बारे में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो वो हैं द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, कि जो चुनाव आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति जो हैं उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सेम इसका लोकसभा के लिए भी बोलते हैं कि अगर जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑब्वियस है लोकसभा है या कोई भी है राज्यसभा है, कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे लोकसभा भी पूछ सकते हैं आपसे, लोकसभा, तो लोकसभा के मेंबर को भी सेम यही आंसर आना है उसका भी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो अभी एक और वीडियो डालूँगी मैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसी तरह तैयारी करते रहें क्योंकि टाइम कम ही है हमारे पास। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू।